अल्लाह स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदी उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे आज की एक और वीडियो है और वीडियो है हमारी एडमिशन के सिलसिले में सेकेंड वीडियो और पहले हमने वीडियो बनाई थी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस के ऊपर आज हमारी वीडियो है फैकल्टी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी यानी जो बी एल एस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बी एस जोलॉजी बायो टेक्नोलोजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैथ वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं फैकल्टी ऑफ सी के ऊपर डिटेल्स तो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कल ही वीडियो मैंने अपलोड की थी आप बी एस सी एस बी एस आई टी एस सोशल इंजीनियरिंग इसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा जो कंप्यूटर साइंस में होते हैं उसके बारे में मालूम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी उनकी फ़ीस कितनी है एलिजिबिलिटी क्या है पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है ये सारी मालूम आप देख सकते हैं आज की वीडियो हमारी है साइंस के ऊपर तो चलें उससे बात उस पर बात करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती जाए तो चलते हैं आज का सेकंड वीडियो एडमिशन के सिलसिले में और हमारा जो टॉपिक है आज फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारी डिटेल मैंने लिख ली है तो <coughs> जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम्स तो इनके ऊपर ये सारी बात मालूम में आपको प्रॉपरली समझाता हूँ चलें इसमें लापतते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा में तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन कौन से डिप्लोमे होते हैं साइंस से मुराद है जोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं अब आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास डिप्लोमा में जो आते हैं प्रोग्राम वो दो आते हैं एक तो डिप्लोमा इन मालिक्यूल बायोलॉजी है और दूसरा डिप्लोमा इन बायोफर्मेटिक्स है अब ये किस बेस पे होते हैं ये होते हैं आपके बी बेस पे बी अगर आपने की हुई है तो आप इनको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एक साल का डिप्लोमा होता है और एडमिशन के लिए कितना कम अज कम नंबर रिक्वायर्ड है इसमें इंटर में भी आपको 45 परसेंट रिक्वयर्ड है कम से कम और ग्रेजुएशन यानी बी एस जोलॉजी में भी आपको 45 परसेंट कम से कम नंबर रिक्वायर्ड है अगर इससे कम होते हैं तो फिर आप डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकते ड्यूरेशन दो सेमेस्टर होंगे ये एक साल का डिप्लोमा होता है दाखिला फ़ीस डिप्लोमा की मालिकल बायोलॉजी चौदह हज़ार तीन सौ नब्बे रुपये है टोटल फीस साठ हज़ार तीन सौ सत्तर रुपये लगनी है और दाखिला फ़ीस पे करने के बाद आपकी जो दो सेमेस्टर में फ़ीस बाकी बचेगी वो पैंतालीस हज़ार नौ सौ अस्सी है और इस फीस को आप दस इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं दूसरा जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा इन बायोफर्मेटिक्स है बी एस आपकी होनी चाहिए और उसके बाद इंटर और बी में आपके नंबर कम अज़ कम भी पैंतालीस से नीचे नहीं होने चाहिए दो सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है इसकी भी फीस दाखला फ़ीस सेम है टोटल फीस भी सेम है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों डिप्लोमा में एक जैसी फ़ीस है अब आ जाएं, ये जो मैंने एक स्टार लिखा हुआ है साथ में दोनों के देखें तो यहाँ पे एक स्टार आपको नज़र आता है इसकी वजह यह है कि ये मेरिट बेस प्रोग्राम्स हैं मेरिट अब किस तरह बनता है वो मैं आपको बताता हूँ उससे पहले आप ये नीचे देख लीजिए लिमिटेड सीट्स ऑन मेरिट बेस ओनली विद इन पाकिस्तान एक तो ये है कि ये जो डिप्लोमा है साइंस प्रोग्राम है वो आ, डिप्लोमा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं सऊदी अरब में दुबई में या कहीं और अमेरिका बरतानिया कोई पाकिस्तानी भी उसे करना चाह रहा है या करता है तो वो जोलॉजी वगैरह या इन प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आई क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिकल की जो लैब्स है उसमें फैसिलिटी के हिसाब से इसका मेरिट बनता है मेरिट विल बी डिटरमाइन फॉर ईच लैब सिटी बेस्ड ऑन सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द लेब सीटिंग कैपेसिटी जितनी होगी अगर वहाँ पर दो लोग वो इंटरटेन किया जा सकता है तो सिर्फ दो लोगों को ही एडमिशन दिया जाएगा इफ़ एनी अपलिक्स मार टू सेलेक्ट मोर देन दैब सिटी फॉर एडमिशन ही शी विल एन ऑप्शन टू सेलेक्ट थ्री लेब सिटीज अब ये होता है क्या है कि पहले सबसे आपको मैं पहले बताता हूँ मेरिट के साथ कैलकुलेट होगा मेरिट चाहे आप बी एस डिप्लोमा में करें चूंकि इसमें होती तो बी एस सी बेस है आपका एडमिशन लेकिन जो मेरिट कैलकुलेट होता है वो उसमें फोर्टी परसेंट नंबर आपके कैलकुलेट होते हैं मै मैट्रिक के और इंटर के होते हैं सिक्सटी परसेंट इस तरह हर स्टूडेंट का मेरिट मेरट बनता है अगर फ़र्ज़ करें लाहौर है लाहौर के लिए आप अप्लाई करते हैं लैब सिटी सिलेक्ट करते हैं कि आपने प्रैक्टिकल लाहौर में देने हैं तो फिर आप का मेरिट कैसे बनेगा वहाँ पे 200 की कैपेसिटी है और इस हिसाब से हर स्टूडेंट का मेरिट बन जाएगा तो पहले जो दो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे दिया जाएगा यहाँ पर जो लैब्स हैं वो तीन सिटीज़ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों का अलग अलग मेरिट बन जाता है तो इस हिसाब से ये बेसिक मालूम हैं डिप्लोमा के हवाले से एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर आपकी स्क्रीन के सामने ही है आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं पिछली वीडियो में बताया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में काम करती है इसका आ, किसी मखसूस सिटी के लिए ये फिक्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स रबता कर सकते हैं दाखिला ले सकते हैं और सिस्टम इसका यूनिवर्सल है हर जगह पर ही अवेलेबल है तो फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एच ई है इसमें डिग्री का कोई मसला नहीं है ये सारी बातें मैं आपको एक अलग वीडियो में भी सारी बता दूंगा और इस दौरान अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो चैनल को एक मिनट निकाल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सेकंड प्रोग्राम है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है यानी जो बीएससी होता था बी ए होता था उसकी इक्वल यहाँ पर अगर आप देखें तो ए डी साइंस एसोसी डिग्री एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इसे कहा जाता है अब पहले इसको बी ए बस सी कहा जाता था अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है साइंस में और जो पुरानी बी एस सी है उसके मुताबिक था तो उसमें ए डी पी एन साइंस है उसकी बेस इंटरमीडिएट होगी पैंतालीस परसेंट डम नंबर आपको इंटरमीडिएट में कम अज़ कम लेने होते हैं और ग्रेजुएशन का इसमें कोई लिंक नहीं है एडमिशन के ऊपर चार सेमेस्टर की डिग्री है बारह हज़ार दाखिला फ़ीस होगी टोटल फ़ीस आपकी एटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ लगेंगे दाखिला फ़ीस पे करने के बाद आपकी जो फीस बचती है वो इकहत्तर हज़ार नौ सौ चालीस रुपये है और ये फ़ीस आप दो सालों में चार सेमेस्टर के अंदर भी इस इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं अब आ जाएं कि जो भी इस जो ए डी पी एन साइंस है वर्ष यूनिवर्सिटी में उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं तो आपने इनमें से तीन सब्जेक्ट जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलोजी कंप्यूटर बायो साइंस मैथमेटिक्स मालिकुलर बायोलॉजी स्टेट एंड डाटा एनालिसस एनालिटिकस एनालिटिकल सॉरी एनालिटिक्स और जोलॉजी इन में से ये दो प्रोग्राम बनते हैं अगर आप मैथ्स मैथ और कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो फिर आप तीन सौ सेलेक्ट करेंगे और अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो फिर आप बायो आ, बायो टेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स और साथ में ये साइंस वाले जो दो प्रोग्राम है मालिकुलर बायोलॉजी या जोलॉजी इनमें से कोई सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं ये शुरू में ही आपने चॉइस करने होते हैं तो फिर आप दो ये कैटेगरीज बन जाती हैं कंप्यूटर साइंस है यानी बी एस सी में और बी एस सी साइंस में तो शुरू में आप इन में से जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये तो था ए पी के हवाले से कि जो साइंस कंप्यूटर साइंस में भी आप ले सकते हैं और जोलॉजी में भी ले सकते हैं दो तरह की यहाँ पे है बी एस सी तो बी एस सी में सिर्फ एक प्रोग्राम ही है और आगे सब्जेक्ट को चेंज करके आप दो प्रोग्राम में जा सकते हैं तो जो बी एस है फोर ईयर उसमें आ जाएं आप उसमें चार प्रोग्राम हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे पहले जोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है बायो बाय इन्फॉर्मेटिक है और बी एस है अब एक एक करके आपको बोसकालिश एडमिशन एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ बी एस जोलॉजी के लिए आपका एफ एस सी मेडिकल होना चाहिए लाजमी है कोई भी दूसरी डिग्री जोलॉजी में अप्लाई नहीं कर सकते फोटी परसेंट कम अज़ कम नंबर रिक्वायर्ड हैं ड्यूरेशन कितना है इसका आठ सेमेस्टर होंगे दाखिला फ़ीस तेरह हज़ार रुपये है टोटल फीस जो लगेगी इनकलूडिंग दाखिला फ़ीस एक लाख उनहत्तर हज़ार पाँच सौ बीस और दाखिला फ़ीस जैसे पे कर देंगे उसके बाद जो रिमेनिंग फ़ीस बचेगी वो एक लाख छप्पन हज़ार पाँच सौ बीस रुपये है और इस फीस को आपने आगे चार सालों में चालीस किस्तों में अदा करना है बी एस बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए एडमिशन जो एलिजिबिलिटी है सेम एफ एस सी मेडिकल पैंतालीस परसेंट नंबर कम अज़ कम जितने ज़्यादा होंगे आगे उतना ही आप मेरठ में आपके लिए जाना आसान हो जाएगा मेरठ किस तरह कैलकुलेट होता है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ और उसके बाद आठ सेमेस्टर होंगे दाखिला फ़ीस तेरह हज़ार है टोटल फीस बी एस की एक लाख सड़सठ हज़ार तीन सौ नब्बे रुपये दाखिला फ़ीस जब अदा कर देंगे तो बाकी जो बचेगी वो एक लाख चौवन हज़ार होगी और इसको आप आगे चालीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं <सलिएगा> बी एस बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके लिए जो एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी चेंज है प्री मेडिकल वाला भी ले सकता है प्री इंजीनियरिंग वाला भी ले सकता है और आई सी एस जिन्होंने मैथ फिज़िक्स रखी होती है वो भी इसमें आ सकते हैं कम से कम नंबर पैंतालीस परसेंट आर्ट सेमेस्टर की डिग्री दाखिला फ़ीस तेरह हज़ार रुपये जो टोटल फ़ीस है वो एक लाख चौंसठ हज़ार तीन सौ पच्चीस रुपये दाखिला फ़ीस इसमें से निकल जाएगी और जो बाकी बचेगी वो एक लाख इक्यावन हज़ार तीन सौ पच्चीस रुपये सेम एज़ ये भी चालीस किस्तों में दे सकते हैं अब जो चौथी डिग्री है फैकल्टी ऑफ साइंस में साइंस और टेक्नोलॉजी में वो है बी एस मैथे एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग लाजमी होना चाहिए यानी आपने इंटर में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए बासूकात आई कॉम वाले आते हैं वो कहते हैं हमने एक मैथ पढ़ा था वो मैथ नहीं होता दो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं एफ एस सी प्री मेडिकल आ, प्री इंजीनियरिंग सॉरी मेडिकल कह दिया मैंने प्री इंजीनियरिंग वाले और डी ए जो डिप्लोमा होता है तीन साल एसोसिएट डिप्लोमा उस वो वाले भी दाखला ले सकते हैं कम से कम नंबर पैंतालीस परसेंट होने चाहिए और उसके बाद आर्ट सेमेस्टर की डिग्री इसके लिए दाखला फ़ीस बारह हज़ार रुपये है और टोटल फ़ीस इसके ऊपर एक लाख पैंतालीस हज़ार नबे रुपये दाखिला फ़ीस जब अदा कर देंगे तो बाकी फीस बचेगी एक लाख तैंतीस हज़ार नबे रुपये और ये भी आप चालीस किस्तों में दे सकते हैं अब भी यहाँ पर एक और चीज़ गौर वाली है बी एस मैथ के साथ मैंने मैं आ, स्टार नहीं लगाए हुए इसका मतलब है यह है ये कि मेरिट बेस नहीं है जो भी आ, ये चीज़ें जिसके पास हैं वो इसमें एडमिशन ले सकता है इसके लिए कोई लैब नहीं होती और ना ही कोई मेरिट बनता है यह ओपन मेरिट है अप्लाई करेंगे एडमिशन हो जाएगा बाकी जो तीनों प्रोग्राम है बी एस जोलॉजी बी एस बायोटेक्नोलॉजी और बी एस बायो इनफर्मेटिक्स इस ये तीनों मेरिट बेस एडमिशनज हैं और मेरिट किस तरह कैलकुलेट होता है मेरिट का इस तरह कैलकुलेशन है मैट्रिक के नंबर्स का 40 परसेंट ऐड होगा इंटरमीडिएट 60 परसेंट और ये मेरिट जब कैलकुलेट हो जाएगा तो कैसे होगा फर्स्ट करें आप एक आप एडमिशन लेते हैं और आप चाहते हैं प्रैक्टिकल के लिए जो आपका सिटी है वो आप रखते हैं भावलपुर या आप इस्लामाबाद रख लेते हैं जो भी अवेलेबल होते हैं सिटीज़ तो हर सिटी की जो लैब है ना उसमें कैपेसिटी है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल लाजमी कराने होते हैं और ऐसे नहीं किया जाता कि प्रैक्टिकल की गंजाइश एक लैब में 200 की थी और वहाँ पे 400 सौ स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाए ऐसे नहीं होता जितनी कि लैब की कैपेसिटी है उस के हिसाब से एडमिशन दिया जाता है और लैब हर हाल में कराई जाती है लैब के जो प्रैक्टिकल्स है उसको बाईपास नहीं किया जा सकता तो इस तरह मेरिट कैलकुलेट होगा और फिर बर्स करें दो सौ की कैपेसिटी है एक लैब में जो आप सेलेक्ट करते हैं लाहौर या बहावलपुर या मुल्तान ये स्टूडेंट के पास चॉइस होती है तीन लैब सेलेक्ट करने की तो फिर दो सौ की कैपेसिटी है तो वहाँ पर उस हिसाब से मेरिट बन जाता है और एडमिशन हो जाता है तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो कम अज़ कम तीन लैब उसके पास ऑप्शन होता है कि मुख्त तीन शहरों में प्रैक्टिकल लैब के लिए ऑप्शन ले सकता है लेकिन जो लैब जिस लैब में उसका एडमिशन हो जाएगा वो प्रैक्टिकल हर हाल में उससे वहीं पूरे करने होंगे और आप जब एक दफ़ा लैब आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तो वो समझ लें कि आपके एडमिशन के साथ फ़िक्स है और जब तक आप डिग्री कर रहे हैं जितने प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें आएंगे वो आपको उसी लैब में करने हैं आप उस लैब को चेंज नहीं करवा सकते और ना ही किसी दूसरी लैब में जा प्रैक्टिकल देंगे तो ये चीज़ें वाजें हैं इस तीनों एडमिशन्स में बा, जोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बायोथर्मेटिक्स के लिए जहाँ तक बात है बी एस मैथ की तो वो ओपन मेरिट है इसमें मेरिट नहीं बनता और जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आप कंप्लीट हैं नंबर आपके ओके हैं तो एडमिशन हो जाता है और बाकी एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं पाकिस्तान से कहीं पर भी नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है व्हाट्सएप कर लीजिएगा इनशाला बगैर किसी एरर और बगैर किसी चीज़ के एडमिशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए और ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल मेरिट बेस के ऊपर होंगे तो आप जो अगला प्रोग्राम है बी एस फिफ्थ सेमेस्टर उसके ऊपर बात कर लेते हैं बी एस फिफ्थ सेमेस्टर इसमें चार प्रोग्राम हमें सेम है जैसे बी एस में चार प्रोग्राम थे जोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी और बी एस मैथमेटिक्स सबसे पहले हम जोलॉजी के ऊपर बात करते हैं एडमिशन इस बेस पे होगा एफ एस सी मेडिकल पैतालीस परसेंट नंबर कम अज कम और अगर उसके बाद आपकी जोरॉजी है ज़ाहिर साइंस वाले ही आगे जाते हैं और तो यहाँ पे एक और चीज भी है ग्रेजुएशन भी हो सकती है आपकी आपका बी एस बायो इंजीनियरिंग भी हो सकता है बी एस इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है तो असल में ये जो एडमिशन है बेस करता है आपकी इंटरमीडिएट के ऊपर तो मेरिट आपका मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के ऊपर बनेगा और ये जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी बीएससी हो सकती है एडीएस हो सकता है फ़ोर ईयर डिग्री कोई हो सकती है उसकी बेस के ऊपर आपकी एग्जामेशन मिलती है तो अगर रेलिवेंट डिग्री होगी आपकी तो एग्जामेशन मिल जाएगी ज़्यादा मिल जाएगी अगर रेलिवेंट डिग्री नहीं है तो एग्जामेशन यहाँ पर कम होती है बाकी एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो सेम जैसे मैंने आपको बी में पिछले यहाँ पर बताया है वो जैसे एडमिशन होना है मेरिट बेस के ऊपर वैसे ही ये फिफ्थ सेमेस्टर में भी होता है तो किसी भी डिग्री में मुख्त में आप अप्लाई कर सकते हैं अब आ जाए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन में कौन से होने चाहिए रेलिवेंट हो गए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है नहीं रेलिवेंट सब्जेक्ट आपके आ, पिछली साइंस से तो भी एडमिशन हो सकता है लेकिन मेरिट बेस के ऊपर ड्यूरेशन कितनी होगी बाकी में आपको मैंने ड्यूरेशन लिख के बता दी यहाँ भी ड्यूरेशन आपकी एग्जामेशन की बेस के ऊपर मिलती है और पता चलता है जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दिया जाता है कि आपकी एग्जामेशन इतनी है यानी इतने सब्जेक्ट आपके एग्जाम कर दिए हैं पिछली इस डिग्री की बेस के ऊपर जो आपकी ग्रेजुएशन या प्रीवियस डिग्री थी और इतने मजीद क्रेडिट हावर आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आप अपना ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं चार सेमेस्टर या पाँच सेमेस्टर एडमिशन फीस यहाँ लिखी हुई है और बाकी जो टोटल फीस या इंस्टॉलमेंट कितनी बनती हैं वो आपकी फिर कोर्स एग्जामेशन के बाद आपको आइडिया हो जाता है कितनी बनेगी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आ जाएं तो उसके लिए भी मज़ी उसी तरह एफ एस सी प्री मेडिकल होना चाहिए पैंतालीस परसेंट नंबर कम अज़ कम इंटर में पैंतालीस परसेंट अगली डिग्री में आ, अगर जिस डिग्री के ऊपर आपने इंटरी रूट में आना यानी बीएससी, एस उसमें 45 परसेंट से कम नंबर होते हैं तो आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी और फिर आपका एडमिशन इंटर और बीएससी की बेस के ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा और वो भी मेरट बेस के ऊपर तो सेम एज यहाँ पी से है बी एस में भी सेम कोई फर्क नहीं है सारे प्रोसेस में जो प्रोसेस मैंने आपको ऊपर जोलॉजी में बताया है। अब आ जाएं बी एस इसमें अगर आ, इंटर में तो ये थी डिग्रीज़ जाहिर है अब आपने आगे बढ़ना है तो पहले आपका ये सारा कुछ हो चुका था आई सी एस वगैरह एफ एस सी तो आपने जब आगे आना तो आपकी डिग्री बेस करती है ये वाली ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट हैं आपके तो जितनी रेलिवेंट फील्ड होगी आपकी आगे उतनी ज्यादा एग्जामेशन मिलेगी उतना टाइम वेयू में आपका कम लगेगा तो इसमें भी सेम एज तेरह हजार रुपए दाखिला फीस है एज पर सेमेस्टर आप इंस्टॉलमेंट बनेगी और आगे कितने क्रेडिट हाउस हैं ये भी जैसे अप्लाई करेंगे आपको बता दिया जाएगा तो अप्लाई करने की फीस थोड़ी सी है बाकी जो दाखिला फीस है वो आपका नाम आने पर मेरिट में जमा आप जमा करवाएंगे इसलिए कोई भी अगर चाहता है उसे बताया जाए कि कितनी एग्जामेशन होगी तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप नंबर पर रब्ता कर लें अप्लाई कर देते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली अब आज बी एस मैथ अगर कोई पांचवें सेमेस्टर में आना चाहता है तो उसने किया किया होगा कि एक तो नंबर उसके इंटरमीडिएट में कम से कम पैंतालीस परसेंट लाजमी है और जाहिर है उसने पहले किया होगा प्री इंजीनियरिंग तो सेम एज आगे फील्ड में जाना चाहते हैं एफ ए वाला तो नहीं जा सकता तो इसलिए अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो फिर आगे आप बी एस मैथ में जा सकते हैं यानी बी एस सी तो आपने की होती है ना तो लेकिन फिर भी इसकी जो बेस है एडमिशन की वो याद रखें कि वो इंटरमीडिएट की डिग्री है तो इंटर में आपके पास होना चाहिए मैथ आपने पढ़ा होना चाहिए यानी प्री इंजीनियरिंग पढ़ी होनी चाहिए डिप्लोमा अगर है तब भी हो जाएगा और उसके बाद अगर आपका ये जो ग्रेजुएशन है अगर तो आपकी डबल मैथ है साथ में कंप्यूटर है या फिजिक्स है तो फिर आपकी एग्जामेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और सिर्फ आगे चार सेमेस्टर आपके लगते हैं अगर आप सिंगल मैथ आपने पढ़ा है और आगे बी एस मैथ में जाना चाहते हैं एडमिशन तब भी हो जाएगा एग्जामेशन कम हो जाती है इस तरह अगर आपने बी एस इंजीनियरिंग किया हुआ है उसके ऊपर भी एग्जामेशन हो जाएगी एडमिशन हो जाएगा और इसके अलावा अगर आपने कोई कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तब भी आगे एग्जामेशन हो जाएगी लेकिन जो बेस डिग्री है वो आपकी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए इंटरमीडिएट के ऊपर और फिर आगे आप एग्जामेशन के साथ एडमिशन ले सकते हैं तो इस सिलसिले में भी आपको हेल्प चाहिए हो एडमिशन के सिलसिले में तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है आप इसके ऊपर आप तर्ज कर सकते हैं और इनशाला आपका प्रॉपरली एडमिशन करवा देंगे और करवाने का ये जो है चा, आ, मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जो ये तीन प्रोग्राम है वो तो मेरिट बेस है इनमें हर हाल में मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन होगा यानी मेरिट में नाम आने के ऊपर ही होगा और बाकी ये जो बी एस मैथ है इसमें ओपन मेरिट है एडमिशन हो जाता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उम्मीद है कि फैकल्टी ऑफ जो कंप्यूटर साइंस है आज की ये आपको समझ आ गई होगी एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ कि जो पांचवां सेमेस्टर है वो किस लिए होता है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता है लेकिन कुछ पर स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि मास्टर डिग्री खत्म हो चुकी है एच .E ने उसको रोक दिया हुआ है अब कोई भी यूनिवर्सिटी प्राय रास्ते डायरेक्ट मास्टर डिग्री नहीं करवा सकती और इसीलिए अब ग्रेजुएशन अगर जिसने भी की है उसमें बीए है बीएससी है किसी भी यूनिवर्सिटी से है एडी है एडीए है या एडीएस किया हुआ है तो वो सारे के सारे आप बी के पांचवें सेमेस्टर से आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे जितना भी सफर होता है वो आप इंस्टीट्यूट ऑप्शन में अप्लाई के बाद और से की सूरत में पहले से बता दिया जाता है उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं हाफिज़